हे गाइस वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। इस वाली वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप लोग पीक ऐप प्लेयर को कैसे कम्प्लीटली अनइंस्टॉल कर सकते हो। इसको अनइंस्टॉल करने के बाद गाइस कुछ इसकी हिडन फाइल्स आप लोगों के पीसी में रह जाती हैं, उनको आप लोगों ने कैसे रिमूव करना है। तो चलें गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों ने यह करना है कि पीक ऐप प्लेयर को आप लोगों ने बंद कर देना है। अगर आप लोगों के बैकग्राउंड में ये चल रहा हो तो आप लोगों ने इसको क्लोज कर देना है। पीक ऐप प्लेयर को अनइंस्टॉल करने के दो मेथड हैं। सबसे पहले तो अगर आप लोग मेथड वन की बात की जाए तो विंडोज आइकन पे आप लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल में आने के बाद यहाँ पे आप लोग प्रोग्राम्स में अनइंस्टॉल प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आप लोगों के पास पीक ऐप प्लेयर वाला जो वर्जन होगा वो मिल जाएगा। इस पे अगर आप लोग राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा, तो इस पे क्लिक करते ही यहाँ पे आप लोग अनइंस्टॉल कर सकते हो। अगर गाइस दूसरे मेथड की बात की जाए तो उसके लिए सिंपली आप लोगों ने ये करना होता है कि पीक ऐप प्लेयर की जो लॉन्चर फाइल होती है उसके शॉर्टकट पे आप लोग राइट क्लिक करेंगे और सेकंड नंबर पे एक ऑप्शन होगा ओपन फाइल लोकेशन का, इस पे क्लिक करते ही यहाँ पे आप लोग पीक ऐप प्लेयर का जो इंजन वाला फोल्डर होता है उसमें रीडायरेक्ट होंगे एंड यहाँ पे अगर आप लोग स्क्रॉल डाउन करते हो थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पे आप लोगों के पास एक फाइल मिल जाएगी अनइंस्टॉल 000 के नाम से। इस वाली एक्जी फाइल पे आप लोगों ने सिंपली राइट क्लिक करना है एंड रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके सिंपली आप लोगों ने इस फाइल को ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग ओके पे क्लिक करेंगे एंड यस पे क्लिक करते ही पीक ऐप प्लेयर हमारे सिस्टम से अनइंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों ने कुछ सेकंड वेट करना है एंड इसको अनइंस्टॉल होने देना है। जब तक गाइस ये अनइंस्टॉल होता है, जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर देना और आप लोगों में से जितने भी लोग चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। यहाँ तक गाइस पीक ऐप प्लेयर तो अनइंस्टॉल हो चुका है लेकिन फिर भी इसकी कुछ हिडन फाइल्स आप लोगों के सिस्टम में रह जाती हैं, जिनको रिमूव करने के लिए सिंपली आप लोग विंडोज आइकन पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से रन कमांड को ओपन कर लेंगे। यहाँ पे आप लोग टाइप करेंगे %TEMP एंड अगेन %, उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे गाइस आप लोग देख सकते हो कि हमने पीक ऐप प्लेयर को अनइंस्टॉल कर दिया है, बट फिर भी यहाँ पे इस वाले फोल्डर में आप लोगों के पास पीक ऐप प्लेयर का एक फोल्डर मिल जाएगा जिसमें पीक ऐप की काफी सारी फाइल्स भी पड़ी हुई हैं। इसको रिमूव करने के लिए सिंपली यहां से हम लोग इन सभी फाइल्स को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद डिलीट कर देंगे। उसके बाद इन फाइल्स को हम लोग रिसाइकल बिन से भी हटा देंगे। इस तरह से गाइस आप लोग इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए पीक ऐप प्लेयर को इजीली अनइंस्टॉल कर सकते हो। सो गाइस फिर भी अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के हर कमेंट का टाइमली आंसर कर सकूं। सो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।